हेलो एस्पिरेंट्स, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ईस्टर का नोमेनक्लेचर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर, हम लोग देख रहे थे, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नोमेनक्लेचर हम लोग देख चुके हैं। आज ईस्टर का नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर में हम लोग देखेंगे, ईस्टर जब सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे आएगा और प्रीफिक्स के तौर पे आएगा कंपाउंड में, तब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे देखते हैं। और ईस्टर का जो ग्रुप है COOR, और इसको ही ऐसे लिखते हैं COOR, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे आएगा तो इसका जो अल्काइल ग्रुप है ये सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मिथाइल हो तो मिथाइल सबसे पहले कंपाउंड में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको हम लोगों ने नाम दिया था ईस्टर की सिस्टर, वो भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले यही आएगा नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ईस्टर को दो प्रकार से लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में जब ईस्टर के कार्बन को जब इंक्लूड करेंगे, ईस्टर के कार्बन को जब इंक्लूड करेंगे तब हम लोग लिखेंगे OH, ठीक है। ईस्टर के कार्बन को पीसीसी में जब इंक्लूड करते हैं तब हम लोग OH लिखेंगे, और जब ईस्टर के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ईस्टर जब कंपाउंड में आएगा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आएगा तो उसके कार्बन को जब इंक्लूड करेंगे हम लोग पीसीसी में तब OH लिखेंगे, और जब इंक्लूड नहीं करेंगे कार्बन को तब कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, CH3 CH C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है। ये ईस्टर ग्रुप है और यहाँ पे Br लगा है, ब्रोमीन लगा है, ठीक है। तो अब पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हुआ PCC का, और नंबरिंग 1, 2, 3, ठीक है। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे तो 2 2 ब्रोमो, ओके। परंतु यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये मिथाइल ग्रुप आया है ईस्टर के साथ लगा है ये, और ये सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, मिथाइल, मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 OH। OH क्यों लिखा है हमने, OH इसलिए लिखे हैं क्योंकि ईस्टर का जो कार्बन है इंक्लूड किया गया है पीसीसी में, इसलिए OH यहाँ लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड O O ET, ET मीन्स इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे Br लगा है, ब्रोमीन लगा है, और यहाँ Cl क्लोरीन लगा है, ठीक है। अब PCC का सिलेक्शन करते हैं हम लोग, पेरेंट कार्बन चेन का, ठीक है, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे ET क्योंकि ये ईस्टर की सिस्टर है, तो सबसे पहले ET लिखेंगे, मीन्स
इथाइल, ओके, इथाइल टू ब्रोमो थ्री क्लोरो हेक्सेन 1 OH। फिर से ओएट क्यों लिखा हमने, क्योंकि इस ईस्टर के कार्बन को इंक्लूड किया गया है तो ओएट लिखे हैं, नहीं करते तो कार्बोक्सिलेट लिखते। कब नहीं इंक्लूड करेंगे वैसा भी कंडीशन आएगा, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सी डबल बॉन्ड हो OCH3, ठीक है, और यहाँ पे ET लिया है हमने, और यहाँ पर भी ET ही लेते हैं, ET मीन्स इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे CL और यहाँ पे भी CL, ठीक है, और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप ले ले रहे हैं, ठीक है। अब PCC का सिलेक्शन करते हैं हम लोग। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है इसलिए कार्बन भी उसका ले लिए हैं हम लोग। नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि वो ईस्टर की सिस्टर है, ठीक है। तो मिथाइल पहले क्लोरो आएगा या इथाइल आएगा, तो ई पहले आएगा या सी पहले आएगा, तो सी पहले आता है तो क्या होगा, मिथाइल 3,5-डाइक्लोरो, ठीक है, मिथाइल 3,5-डाइक्लोरो और 2,4-डाइइथाइल, ठीक है, 3,5-डाइक्लोरो और 2,4-डाइइथाइल, ठीक है, और यहाँ पे 2,4-डाइइथाइल है और 7-मिथाइल है, ठीक है, 7-मिथाइल, 7 पे यहाँ पे मिथाइल है, ये 1 है, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप है 7 पर। तो मिथाइल 3,5-डाइक्लोरो, 2,4-डाइइथाइल, 7-मिथाइल, और 9 कार्बन है PCC में, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे, 3-ईन-1-ओ-8, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ओके, 3-4 के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो 3-ईन-1-ओ-8 कंपाउंड का क्या नाम हो गया, मिथाइल 3,5-डाइक्लोरो, 2,4-डाइइथाइल, 7-मिथाइल, नॉन 3-ईन-1-ओ-8, ठीक है। ओएट क्यों लिखा गया, क्योंकि कार्बन इंक्लूड किए हैं, ईस्टर के कार्बन को हम लोग इंक्लूड किए हैं PCC में, तो ओएट लिखे हैं, ठीक है। अब प्रीफिक्स देखते हैं ईस्टर का, जब प्रीफिक्स के तौर पे आएगा तो क्या लिखते हैं, तो जब ईस्टर प्रीफिक्स के तौर पे कंपाउंड में आए तो 2 प्रकार से उसको भी लिखते हैं, एक तो लिखते हैं अल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है, और दूसरा लिखेंगे अल्कोक्सी कार्बोनिल। ये कब कब लिखते हैं देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बात होगी अल्केनॉइल ऑक्सी में और अल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। जैसे अल्कोक्सी अल्केनॉइल ऑक्सी में
जब यहाँ पे COOH ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ देखने वाली बात है जैसे ये प्रीफिक्स के तौर पे आ गया है क्योंकि ये PCC है, पेरेंट कार्बन चेन है ये, ठीक है, और इसमें आया है कार्बोक्जिलिक एसिड और ईस्टर, तो कार्बोक्जिलिक एसिड का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है तो ये डाउन हो गया, PFG हो गया, सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे हो गया ये, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्रीफिक्स हो गया तो इसका अटैचमेंट देखेंगे कि ओ के साथ है PCC में, ये PCC है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है ये, 6 कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो है ओ से जुड़ा है PCC से, ठीक है, तो ओ से जुड़ा है तो ऑक्सी लिखा गया है, और अल्केनवाइल ऑक्सी, क्योंकि ये यहाँ पे जो 2 कार्बन है इथेन है, इथेनवाइल हो जाएगा, और ऑक्सी अटैचमेंट देखा जा रहा है ऑक्सीजन के साथ है PCC का, ठीक है, तो अल्केनवाइल ऑक्सी इसका नाम हो जाएगा, अल्केनवाइल ऑक्सी मीन्स इथेनवाइल, 2 कार्बन है यहाँ पे, 1 2, तो इथेनवाइल ऑक्सी, ठीक है, इथेनवाइल ऑक्सी किसका नाम है, इस प्रीफिक्स का नाम है, इस कंपाउंड का नहीं, इस प्रीफिक्स का नाम है ओनली इथेनवाइल ऑक्सी, और ये PCC है, साइक्लोहेक्सेन है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी नामकरण हम लोग देखेंगे अभी नोमेनक्लेचर, ठीक है, और ये अल्कोक्सी कार्बोनिल कब होगा, तो अल्कोक्सी कार्बोनिल भी देखें हम लोग, सी डबल बॉन्ड OOCH3, ठीक है, और यहाँ पे COOH, ठीक है, फिर से वही बात है, लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विथ PCC अलग है, ठीक है, देखें क्या है अलग, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट है PCC का, और यहाँ पे कार्बोनिल मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कहलाता है, तो उसके साथ अटैचमेंट है PCC का, ये PCC है पेरेंट कार्बन चेन, और इसके साथ लगा है सेकेंडरी सफिक्स COOH है, और ये प्रीफिक्स हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये PCC प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है, ये इतना दूर का मिथॉक्सी हो जाएगा क्योंकि ये मिथेन जुड़ा है यहाँ पे, वही इथाइल रहता तो इथॉक्सी हो जाता, तो यहाँ मिथाइल है तो और ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी हो गया, और ये कार्बोनिल ग्रुप है अटैचमेंट विथ PCC, तो यहाँ पे नाम हो गया इसका, इसका नाम हो जाएगा प्रीफिक्स का मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है, क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी कार्बोनिल, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम लोगों ने सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स देख लिया है ईस्टर का, अभी जो बात कर रहे थे हम लोग जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ रहे मीन्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विथ PCC ओ हो, तो अब तब इसको हम लोग लिखेंगे अल्के नोइल ऑक्सी, ठीक है, और ये जो है 2 कार्बन है तो इसलिए इसको लिखेंगे इथेनोइल ऑक्सी, ठीक है, क्या है, इथेनोइल ऑक्सी, और CH3OC डबल बॉन्ड ओड है मीन्स अटैचमेंट विथ PCC, सी डबल बॉन्ड ओ है मीन्स कार्बोनिल है, तो यहाँ पे अल्कोक्सी लिखेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखे हैं, अल्क की जगह पे यहाँ पे मेथ लिख देंगे क्योंकि एक ही कार्बन है तो मेथ आया, और मेथ आ गया अल्क की जगह, और ऑक्सी मिथॉक्सी हो गया, और कार्बोनिल, ठीक है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं हम लोग, अभी जो हम लोगों ने 2 कंपाउंड देखे उसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं।
क्या था वो कंपाउंड? COOH था और साइक्लोहेक्सेन भी था और वायंट ऑफ अटैचमेंट की बात हो रही थी, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, तो यहाँ पे PCC ये था। ओके ठीक है, यहाँ पे ये PCC है, कितने कार्बन का PCC? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 6 कार्बन का PCC है और साइक्लो है, तो साइक्लो हेक्सेन है ये, और वन इसके तरफ ही लिखे हैं। वन इसको क्यों दिए हैं? क्योंकि ये सेकेंडरी सफिक्स है, डॉन है ये, और ये प्रीफिक्स हो जाएगा। दोनों फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ये कम है इसकी अपेक्षा, ये इस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, नोमेनक्लेचर देख लेते हैं हम लोग। तो 4 पे लगा है ये ग्रुप इस्टर, और ये प्रीफिक्स है, तो क्या लिखेंगे हम लोग अभी देखे थे, प्रीफिक्स में जब ऑक्सीजन से अटैचमेंट हो तो क्या होगा, तो 4-इथेनॉल ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैचमेंट था PCC का, तो 4-इथेनॉल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों लिखा है हमने, जबकि ओइक एसिड भी पढ़ चुके हैं हम लोग जब सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे आता था, तो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे तो यहाँ पे भी है, परंतु इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया गया है, और जब सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे आए कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तब इसको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख देते हैं। अगर इंक्लूड करते हैं हम लोग, किसी किसी कंपाउंड में करते भी हैं, तो वहाँ ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, तो क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, 4-इथेनॉल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम लोग, जो हम लोग प्रीफिक्स में बात कर रहे थे। यहाँ पे अटैचमेंट है कार्बोनिल से, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ CH3। ठीक है, ध्यान रखें ये PCC है यहाँ पे, और नंबरिंग कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 कार्बन का PCC है। ठीक है, साइक्लो है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन है ये। अब ये प्रीफिक्स है, ये डॉन है, PFZ है। ठीक है, तो नाम क्या होगा इसका, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बोनिल है, तो 4-मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, 4-मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या है इस कंपाउंड का नाम, 4-मिथॉक्सी कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे PCC का, नंबरिंग करेंगे, फिर देन नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, सिलेक्शन इधर से करेंगे, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लेके करना ही चाहिए, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और
इसको बढ़ते बढ़ते यहाँ सीधा लाइन दिख रहा है तो ऐसे कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया है, तो ऐसे नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, अगर ऐसे भी नहीं करेंगे कुछ स्टूडेंट तो ऐसे करेंगे, फिर कार्बोक्जिलिक एसिड के कार्बन को लेके चलेंगे और इस्टर के भी कार्बन को इंक्लूड कर देंगे, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। हम लोगों ने पहले बहुत सारे रूल भी देखे हैं कि जब डॉन हो जाए कोई फंक्शनल ग्रुप तो उसके कार्बन को दूसरे के कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH, ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे परंतु यहीं से मुड़ जाएंगे, ठीक है, इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लोगों ने रूल में देखा था कि जब दो फंक्शनल ग्रुप हो और एक अगर PFG हो जाए, सेकेंडरी सफिक्स हो जाए, तो दूसरे के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बट एक्सेप्शन था, अगर ऐसा ही यहाँ पे अगर अल्डिहाइड होता तो उसके कार्बन को इंक्लूड हम लोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस्टर के कार्बन को इंक्लूड नहीं किए हैं हम लोग, तो अब क्या होगा, नाम हम लोग सीख चुके हैं। कार्बोनिल ये है कंपाउंड, ये कार्बोनिल ग्रुप से जो लगा है PCC में, ये PCC है और नंबरिंग होगा 1 2 3, 3 कार्बन का PCC है यहाँ पे, और कार्बोनिल से अटैचमेंट है विथ PCC, तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथॉक्सी, ओके। तो 3 पोजीशन से जुड़ा है, 3 लोकेंट है इसका, किसका, प्रीफिक्स का, तो 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखे, प्रोपेन ई नहीं होगा क्योंकि वोवेल साउंड था, प्रोपेन 1 OIC एसिड, ओके। अभी हम लोगों ने जो साइक्लोहेक्सेन के साथ लिया था कार्बोक्जिलिक एसिड, तो वहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड ही लिख रहे थे क्योंकि उसका कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा था, परंतु यहाँ पे कार्बन इंक्लूड हुआ है कार्बोक्जिलिक एसिड का, तो इसलिए ओइक एसिड लिखे हैं हम लोग। ये सब रूल देख देख के आए हैं हम लोग, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ET OC डबल बॉन्ड O CH2 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 COOH, ठीक है, वही बात है, यहाँ पे भी यहीं से मुड़ जाएंगे, इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। तो अब क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे ET आ गया है, वहाँ पे एक ही CH3 था, मीन्स मिथाइल था, यहाँ पे ET है, ये इथाइल है, और नंबरिंग की है 1 2 3 4, तो 4 पे इथॉक्सी आया है, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, ओके, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन 1 OIC एसिड। फिर से वही बात, ओइक एसिड क्यों हुआ, क्योंकि इसके कार्बन को इंक्लूड किया गया है, नहीं इंक्लूड करते यहाँ तो करना ही होगा, लेकिन कोई कोई कंडीशन जो आता है, जो हम लोगों ने देखा था साइक्लोहेक्सेन के साथ आया था, तो वहाँ पे नहीं इंक्लूड किए थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे थे, ठीक है। अब हम लोग कुछ रैंडम क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक है। जैसे ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये Cl है और यहाँ पे Br लगा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन IEEE में पूछ चुका है, IEEE का क्वेश्चन है ये, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, पीसीसी का सिलेक्शन किधर से होगा और नंबरिंग कैसे होगा। तो पीसीसी का तो ये सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ से ये 6 कार्बन का पीसीसी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। परंतु नंबरिंग किधर से होगा, नंबरिंग इधर से होगा क्या, बी आर है और सी एल है, तो बी पहले आता है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। देखें 1 2 1 2 3, नहीं, क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, देन प्रीफिक्स, ओके। तो हम लोग नंबरिंग तो यहाँ से करेंगे, फिक्स है। तो 1 2 ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को ही दोनों लोकेंट देना है, 1 2, ठीक है। तो 1 2 ऐसे होगा क्या, 1 2, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है, तो 1 2 इधर से होगा, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम प्रायोरिटी देना है, ठीक है। मीन्स मिनिमम प्रायोरिटी बोले तो अच्छा लोकेंट देना है, ठीक है, इसको प्रायोरिटी देना है। और 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। 1 पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरो है, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, सॉरी साइक्लो हेक्सेन है ये, साइक्लो हेक्स 1 ईन, ओके, या साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो इसका नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 ईन, या इसी को साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते थे, साइक्लोहेक्सीन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये भी आई ट्रिपल ई का ही क्वेश्चन है, आई ट्रिपल ई में ही पूछा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर पूछा है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोगों को ध्यान रखना होगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग जब प्रायोरिटी रूल हम लोग पढ़े थे, तो वो क्या था, प्रायोरिटी रूल जो था, सबसे पहले हम लोग देखे थे कार्बोक्जिलिक एसिड था सबसे पहले, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन इस्टर था, फिर उसके बाद एसिड हैलाइड था, उसके बाद एमाइड था, ठीक है, और उसके बाद था साइनाइड, उसके बाद था आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड था उसके बाद, और उसके बाद था अल्डिहाइड, ठीक है, उसके बाद अल्डिहाइड के बाद कीटोन, और फिर क्या था, अल्कोहल था, फिर उसके बाद थायोल था, थायोल के बाद सबसे लास्ट था अमाइन, ठीक है। तो जब हम लोगों को ये प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रहेगा, तब ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, तो सबसे पहले COOH, देन सल्फोनिक एसिड SO3H, देन CONH2 अमाइड है, फिर सबसे लास्ट यहाँ पे CHO अल्डिहाइड, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड सबसे पहले, उसके बाद है सल्फोनिक एसिड, देन CONH2 अमाइड था, जो यहाँ पे अमाइड है, ठीक है। तो इसका पोजीशन देख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे है अमाइड, और उसके बाद अल्डिहाइड जो था, अल्डिहाइड यहाँ है, तो देख सकते हैं हम लोग आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर, और नेक्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।